नमस्कार दोस्तों, वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल पर मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और उसी वीडियो में मैंने पूछा था कि अगर आप कांसे के बर्तनों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिए। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट किया था कि आप कृपया करके कांसे के बर्तनों के बारे में वीडियो ज़रूर बनाइए, और इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांसे के बर्तनों के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट में हम जानेंगे कि कांसे मतलब होता क्या है और ये किस प्रकार से बनता है। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे प्यूरिटी चेक यानी असली कांसे की पहचान किस प्रकार से करनी है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे इसकी अप्रोक्सीमेट प्राइस क्या है और मैंने मार्केट से इसे किस रेट में खरीदा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे कांसे के बर्तनों को इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और चिकित्सा के रूप में इसके क्या क्या गुण हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम जानेंगे इसे इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सिक्स्थ पॉइंट में हम जानेंगे इसे साफ किस तरह से करना है, और अंत में हम जानेंगे कांसे का धार्मिक महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कांसे मतलब होता क्या है। दोस्तों, कांस्य यानी कि कांसा एक मिश्र धातु है जो कॉपर यानी कि तांबा और टिन यानी कि रांगा इन दोनों को मिलाकर बनती है। कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज भी कहा जाता है। दोस्तों, तांबा और टिन किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ये उसके इस्तेमाल पर डिपेंड होता है। आयुर्वेद के रसशास्त्रों के ग्रंथों में बताया गया है कि बर्तन बनाने के लिए 80% यानी कि 8 भाग तांबा और 2 भाग टिन होना ज़रूरी है। इसीलिए ज़्यादातर कांसे के जो बर्तन होते हैं वो 80% तांबा और 20% टिन इस्तेमाल कर बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपको शायद पता ना हो पर मंदिर में जो घंटा होता है वो भी कांसे के ही बने होते हैं। हालांकि उसमें 6 भाग तांबा और 4 भाग टिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें से बहुत ही कर्णमधुर ध्वनि निकलती है। दोस्तों, शुद्ध तांबा जो होता है वो लाल रंग का होता है और उसमें टिन मिलाने के बाद उसमें सफ़ेदी आ जाती है। ये मेरे पास एक कांसे की कटोरी है, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी सफ़ेद है पीतल के मुकाबले। कई लोग क्या करते हैं, कांसे को ही पीतल समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। कांसे जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, तांबा और वांगा यानी कि टिन इसके मिश्रण से बनता है, वही पीतल जो होता है वो तांबा और जस्त मिलाकर बनता है और हल्के पीले रंग का होता है। दोस्तों, वैसे तो कांसे के बर्तन सिर्फ तांबा और टिन से बने हुए ही होने चाहिए, पर आजकल लोग उसमें सीसा या फिर अलग कुछ धातु मिलाकर उसमें मिलावट कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जो बर्तन लेते हैं, अगर आपको उसके पूरे फायदे अगर आपको चाहिए हो तो वो शुद्ध कांसे के बने हुए बहुत ज़रूरी है। तो आइए सेकेंड पॉइंट में जानते हैं कि प्योरिटी चेक किस तरह से करना चाहिए, असली कांसे की पहचान किस तरह से करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ में मैं बहुत माहिर तो नहीं हूँ, पर जहाँ पर मैंने ये बर्तन खरीदे हैं, मेरे पास भी कांसे के बर्तनों के 3 सेट है। वहाँ पर कांसे बनाने वाले जो भाई थे उन्होंने मुझे बताया था कि कांसे के बर्तनों को अगर पहचानना है तो सपोज ये कांसे की बनी हुई थाली है तो उसे इस प्रकार से बजाना है। और ये ध्वनि सुनिए, ये बिल्कुल मंदिर में जिस प्रकार से घंटा बजता है टिंग, ज्यादा देर तक चलने वाला ये ध्वनि होता है। आप फिर से सुनिए, मुझे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सही कांस्य या फिर असली कांस्य पहचानने की तरकीब होती है। वही अगर आप पीतल की थाली आपके पास हो, मेरे पास नहीं थी, पर अगर पीतल की थाली आपके पास हो, मैंने उस दुकान में भी बजा कर देखी थी, पीतल की थाली उन्होंने मुझे दिखाई थी, तो उसकी ध्वनि कुछ इस प्रकार से निकलती है। और वही कांस्य की ध्वनि, तो अगर कभी आप दुकान में जाते हैं तो इस प्रकार से एक थाली लीजिए, उसे बजा कर देखिए। तो थर्ड पॉइंट में कांसे के बर्तनों की कीमत की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर कांसे के बर्तनों की अलग अलग कीमत हो सकती है, पर अप्रोक्सीमेटली जो है ये 1000 रुपये किलो के भाव से मिलता है। मैंने कांसे के बर्तनों की थाली का पूरा सेट लिया था जो इस प्रकार से था। उसमें एक छोटी कटोरी, एक बड़ी कटोरी, एक ग्लास और ये एक चम्मच मुझे उस थाली में मिला था। तो ये पूरा सेट जो है ये मैंने 2200 रुपये में खरीदा था करीब 2-2.5 साल पहले। कांसे जो होता है वो वज़न में भी काफ़ी हैवी होता है। आइए अब जानते हैं कांसे के बर्तनों में खाना खाने के फायदों के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी कांसे के बर्तनों के लाभ के बारे में बताया गया है। कांसे की बनी हुई थाली में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, ये भूख को बढ़ाता है, खून को साफ करता है, जिससे रक्त पित्त भी शांत रहता है।
दोस्तों कांसे में मौजूद गुणों की वजह से आयुर्वेद विशेषज्ञ भी खास करके इस धातु से बने हुए बर्तनों में खाने की सलाह देते हैं। ये आपको निरोगी रखने के साथ साथ तनाव को भी दूर रखता है और इम्यूनिटी को बनाए रखता है। कांसे की थाली में खाने से खाने में जो पोषक तत्व है वो भी बने रहते हैं। यूँ तो तांबे के बर्तनों में खाना खाना अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए हम तांबे के ग्लास में भले ही पानी पीते हैं पर तांबे से बने हुए थालियों में या फिर तांबे से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल खाना खाने के लिए हम नहीं करते हैं। ऐसे में क्योंकि कांसे के बर्तनों में 80% तक तांबा होता है और 20% टिन इसमें मिला हुआ होता है, ये खाना खाने के योग्य हो जाता है और इससे तांबे के जो गुण हैं वो भी हमारे भोजन में हमें प्राप्त होते हैं। तो तांबे के सारे गुण हमें इसमें से मिलते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, एनर्जी लेवल को बढ़ाना और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी ये काम करता है। कांसे के बर्तनों में जो है 20% टिन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए टिन के भी जो फायदे होते हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे टिन स्किन प्रॉब्लम्स को कम करता है, डाइजेशन यानी कि पाचन को ठीक रखता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये एंटी कैंसरस भी माना गया है। दोस्तों टिन जो होता है वो पेट के कीड़े यानी कि इंटेस्टिनल पैरासाइट जो होता है उन्हें ट्रीट करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों ये जो धातु और ये जो मिनरल्स होते हैं जैसे कॉपर, मैग्नीशियम या फिर फॉस्फरस, इनकी हमारे शरीर में बहुत कम जरूरत होती है पर ये बहुत अहम भूमिका हमारे शरीर में निभाते हैं। इसलिए हम कॉपर की बनी हुई बॉटल का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कांसे के बर्तनों का खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के बर्तनों का खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारे जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं। क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं होता है कि चलो किसी को कॉपर की कमी हो गई तो उसको एक चम्मच कॉपर खिला दो या फिर किसी को लोहे आयरन की कमी हो गई तो उसको एक चम्मच लोहा खिला दो, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आता है। इसीलिए इन बर्तनों का अगर हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो खाने के साथ घिसके जितना हमारे शरीर में जाते हैं उतना ही हमारे शरीर की सेहत के लिए इनफ भी है और सेहतमंद भी है। चिकित्सा के रूप में अगर हम बात करते हैं तो कांसे जो होता है वो हल्का, उष्ण और वसा को कम करने वाला माना जाता है। कांसे की ली हुई प्रमाणित मात्रा स्किन इन्फेक्शन, पेट के कीड़े और कुष्ठ रोग में भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो आइए अब जानते हैं कि कांसे के बर्तनों को इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। दोस्तों सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कांसे के बर्तन जो होते हैं वो सिर्फ खाना खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खाना पकाने के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों कांसे के बर्तनों को कभी भी गैस पर रखकर गर्म नहीं किया जाता है, अगर आप इन्हें गर्म करेंगे तो ये टूट जाएंगे। दोस्तों दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कांसे के बर्तनों में कभी भी खट्टी चीज़ें रखकर उनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। चाहे नींबू, दही या फिर इमली जैसे कोई भी खट्टी चीज़ हो, आप उन्हें कांसे के बर्तनों में रखकर कभी नहीं खाएंगे। तो अगर आपके पास इस प्रकार से थाली है तो आप इस ग्लास में कांसे के ग्लास में पानी पी सकते हैं या फिर दाल, चावल, रोटी, सादी दाल हो, रोटी हो, आप उसको इस थाली में रखकर खाना खा सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि कांसे के बर्तनों में कभी भी घी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर आप पूछेंगे कि आपने घी में छोंक लगा के सब्ज़ी बनाई है तो आप इसमें खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो मत खाइए। घी वाली चीज़ें कभी भी कांसे के बर्तनों में नहीं खानी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस अगर आप कांसे के बर्तन इस्तेमाल करते वक्त याद रखते हैं तो आप आसानी से कांसे से मिलने वाले लाभ उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि कांसे के बर्तनों को साफ कैसे करना है। दोस्तों कांसे के बर्तन जो होते हैं वो पीतल की ही तरह किसी भी खट्टी चीज़ से जैसे इमली या फिर नींबू लगाकर अच्छे से साफ हो जाते हैं, या फिर कोई अगर लोकल पाउडर आती है जैसे मार्केट में भैया पाउडर है या फिर पीताम्बरी पाउडर है, उनसे भी ये बर्तन काफ़ी साफ हो जाते हैं। पर एक बात याद रखनी है कि हमेशा इस तरह से साफ किए हुए बर्तन ही आप खाने में इस्तेमाल करें। अगर आप इसे अच्छे से साफ ना करें तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक थाली रखी है, खाना खाने के बाद कुछ इस प्रकार से उसमें थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ सकते हैं। फिर खाना होने के बाद ऐसे ही थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना अगर आप जूठा छोड़कर प्लेट अगर उसे रख देते हैं तो उसकी वजह से भी प्लेट इस प्रकार से काली पड़ जाती है। तो इसे जो है चमकाते रहना चाहिए, बर्तनों को चमकाते रहिए तो उसके जो लाभ है वो आपको अवश्य मिलेंगे। दोस्तों अंत में हम जानेंगे कि कांसे के धार्मिक महत्व क्या होता है। दोस्तों कहा जाता है, पुराने ज़माने से कहा जाता है और हमारे ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि कांसे के बर्तन जो होते हैं वो खाना खाने के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। कांसे के बने हुए बर्तनों में खाना खाने से हमारे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसीलिए मंदिर में जो घंटा होता है वो भी कांसे से ही बना हुआ होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सके। और साथ ही कांसे की जो ध्वनि निकलती है जब भी हम उसे साफ करें या फिर इस्तेमाल करें तो कांसे की जो इस प्रकार से थोड़ी बहुत ध्वनि निकलती है वो भी घर में निकलना बहुत अच्छा होता है, जिससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये थे कांसे के बर्तनों के सारे लाभ। आप भी कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और आपके जीवन शैली में क्या फ़र्क पड़ता है, आपको उसके क्या क्या लाभ मिलते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।